केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कांग्रेस के वचन पत्र को झूठ का पुलंदा बताया और कहा कांग्रेस ने 75 वर्षों तक आदिवासियों को अपेक्षित रखा। कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ सत्ता के लिए हथकंडा बनाया। भोपाल में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि 75 वर्षों तक आदिवासियों को उपेक्षित रखा गया और सिर्फ सत्ता के लिए आदिवासियों को हथकंडा बनाया गया। जनजातीय समाज को बीजेपी मुख्य धारा में लाई और आदिवासी भाइयों का विकास सुनिश्चित किया। एमपी में कांग्रेस सरकार में जनजातीय वर्ग की अनदेखी की गई, इसलिए कांग्रेस को देश भर की जनता ने नकार दिया। 75 वर्षों का आजादी का यह सफर में आदिवासी के साथ लंबे कालखंड तक देश में शासन करने वाले दल ने किस तरीके से व्यवहार किया, किस तरीके से उपेक्षित रखा देश के समस्त आदिवासी भाइयों के लिए, विशेष तौर से ध्यान रखते हुए कैसे हम पूरे भारत के विविध क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के विकास को सुनिश्चित करते हुए देश संपूर्ण रूप से आगे बढ़े यह सुनिश्चित कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा ने कहा कि कांग्रेस के वचन पत्र में सिर्फ छलावा हुआ है, केंद्र में रहते हुए नीतियों का वादा नहीं निभाया। आबादी के अनुसार ना नीतियां बनाई गई ना कार्यक्रम तय किए गए। आदिवासियों का सबसे अधिक पलायन कांग्रेस सरकार में हुआ है। आदिवासी इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बीजेपी की सरकार लेकर आई। बीजेपी के कामों से घबराकर कांग्रेस झूठ का वचन पत्र लेकर आई है। बहुत सारी बातों का उल्लेख किया है, बहुत सारी बातों को कहा है, लेकिन यदि उसे गौर से हम देखें तो यह सिर्फ एक छलावा, एक धोखा, और जिस तरीके से आजादी के बाद लंबे अरसे तक कई वायदे कई बातें करने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का जो दायित्व था उसे कभी पूरा नहीं किया। भारत सरकार के माध्यम से जो नीतियां बनाने की बात उन्होंने अपने समय में की थी उसका इम्प्लीमेंटेशन होने ही नहीं दिया। आबादी के अनुसार उपयोजनाएं बने, आबादी के अनुसार कार्यक्रम बने, इस मामले में जो नीति बनाई गई थी उसका अनुसरण कभी कांग्रेस ने नहीं किया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।